हाँ ये संभव है, कर लेते हैं। कर दे, लंबी क्लास ले लें, थोड़ा लंबी हो जाए। हाफ डे में आइए। क्या टूट गया था? माउथ टूट गया? गाड़ी में भी माउथ होता है? माउथ तो कोई नहीं बोलता, माउथ तो माउथ ही होगा, हेडलाइट हेडलैम्प अलग है। ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। चलो जुड़ गए सब। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक पार्ट 1 से लेकर 75 तक था जो कंप्लीट हो गया। जनरल प्रिंसिपल के नाम से इसे जानते थे, वो हमने पढ़ लिए। जनरल प्रिंसिपल का मतलब यह है कॉन्ट्रैक्ट कहीं पर भी हो रहा है उसमें ये प्रोविजंस लागू होंगे, है ना। मतलब जैसे मान लो मॉर्गेज हो रहा है तो मॉर्गेज में प्रपोजल एक्सेप्टेंस वो तो दी नहीं है, वो कहां से आएगी? वो जनरल प्रिंसिपल से आएगी। फिर क्या किया इन्होंने कि दूसरा पार्ट 124 से 238 तक है। ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन इज दिस कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट है भाई? एक तरह से विशिष्ट संविदाएं कह सकते हैं इनको। विशिष्ट संविदाएं क्यों कहते हैं, क्या है इनमें विशिष्ट? देखो इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनके अपने नाम हैं। क्या है? नाम है, खुद के नाम है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम से जाना जाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, है ना। तो ये चूंकि इनके अपने नाम हैं, अब प्रश्न उठता है कि क्या इनमें प्रपोजल एक्सेप्टेंस कंसीडरेशन ये नहीं होता? सब होते हैं। जनरल प्रिंसिपल तो सारे के सारे एज इट इज लागू होते हैं, लेकिन वहां इसे जिस चीज को कॉन्ट्रैक्ट कह रहे थे वहां कह दिया इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट, या इंडेमनिटी कह दिया, या गारंटी कह दिया, है ना, या बेलमेंट कह दिया। नाम तो पूरा बेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, नाम तो क्या है पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। तो क्या है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ कुछ अपने स्पेसिफिक गुण हैं। क्या है? स्पेसिफिक गुण हैं। उन स्पेसिफिक गुणों के कारण इन्हें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। आप देखोगे लॉ के पेपर में कहेगा कोई आदमी सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के तौर पे बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे कोई शब्द नहीं है, इसके लिए कोई शब्द नहीं दिया हुआ है, तो फिर स्पेसिफिक संविधान और क्यों दे दिया नाम? ये पढ़ाने वाले टीचर्स के द्वारा दिए हुए नाम है, लेकिन बहुत लंबे समय से प्रचलन में है, इसलिए हम भी उसे यूज कर रहे हैं, इसलिए टीचर्स। अब चूंकि टीचर्स को इनके नामों को वो जानते हैं कि अच्छा इनमें स्पेशल गुण है कुछ, इसलिए उन्होंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये टीचर्स के द्वारा दिया हुआ नाम है, कभी ये नाम ना तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है, ना कहीं लिखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सेकंड है, कहीं नहीं लिखा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड जैसी व्यवस्था कहीं नहीं लिखी रही, लेकिन इनमें कॉन्ट्रैक्ट के अपने नाम होने के कारण इसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट या इस तरह के नाम टीचर्स के द्वारा दिए हुए हैं। अब इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं, अब आपको मैं बताऊं कि पिछला अनुभव रहा है, पिछला अनुभव रहा है, चार क्वेश्चन आए, चार तो आए इनसे, तो सॉरी दो, और दो ही आए यहां से,
जबकि पहले स्थिति क्या थी, अब पुराने पेपर्स को देखो तो इसमें से क्वेश्चन कभी कभी एक आता था और यहां से तीन से चार आते थे। पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्वेश्चन ज्यादा आते थे, अभी क्या है माइनर एक्ट और ये जोड़े हुए हैं। आप इस बात को अपने दिमाग में लेके चलो, हो सकता है कि इसमें से ज्यादा आ जाए, इसमें से कम आ जाए। हमारे पास हमारा एक्ट परफेक्शन तक तैयार होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आओ। तो अभी इससे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आ गए, लेकिन मेरा ये हमेशा ही रहा है, मैं सबको बराबर वेटेज देके ऐसा नहीं करता कि नहीं 124 से लेके 238 तक के चलो छोड़ दो, नहीं नहीं छोड़ता कभी भी। फिर भी आप लोगों के लिए तो मैं कई चीजों पर फोकस कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट पे, लेकिन जहाँ शुरू से ही लोग होते हैं कंटिन्यू होते हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं छोड़ने की कोशिश करते। लेकिन सारा पढ़ाने से एक नुकसान है, सारे में एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है, कई चीजें हैं जो कभी नहीं आती, उन्हें तो छोड़ना ही पड़ेगा अन्यथा तुम्हारी एनर्जी वेस्ट चली जाएगी। उसी एनर्जी में आप जो महत्वपूर्ण चीज है उसे कई और बार ज्यादा पढ़ लोगे, वो आपको पक्का याद हो जाएगी, तो ये तो समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम इस पर चलते हैं, इंटरेस्टिंग है ये पार्ट भी पढ़ने में। कितने सेक्शन है, कितने हुए, अरे नंबर इतने देर लगती है क्या, अरे 124 से 224, 101 सेक्शन हो गए, एक सेक्शन बढ़ा के चलना है इसमें, क्योंकि वो जो नंबर है ना ये वाला भी जुड़ता है। कितने, हाँ 100 ज्यादा है, पंद्रह और जुड़ जाएंगे, लेकिन इसमें मैंने कितने सेक्शन लगवाए जिन पर क्वेश्चन आने की संभावना है, करीब 30 सेक्शन ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन आने की संभावना है। 30 में से आपको दो हर हाल में मिल जाएंगे, 30 सेक्शन में है? हाँ तो दो ऐसा भी हो सकता है ना, एक आध मेरे से रह गए हो, ऐसा भी तो होगा, टीपी में हुआ था ना। अब जैसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में भी कल मैंने कहा 55 इंपॉर्टेंट है, 55 उस समय छूट गया, तो जो मेरे को हिट कर गए उस समय बोलते बोलते वो बात अलग है। अब जैसे 55 इंपॉर्टेंट है, कल बताया था ना, समय मरमूत हो तो क्या होगा, जनरल प्रिंसिपल से थोड़ा सा टफ है ये पार्ट, तो एक बार आपको सबको डायरेक्ट कंटिन्यू देखना पड़ेगा। मैं कोशिश करके मैं कर सकता हूं, लेकिन उससे आपको नुकसान होगा, इसलिए ये साथ के साथ पढ़ाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हर बार एक नई टाइप की कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके कुछ अपने स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसा कि चैप्टर में लिखा हुआ है, दो कॉन्ट्रैक्ट को ले रहा है चैप्टर 8, एक तो है इंडेमनिटी और एक है गारंटी। देखने में एक जैसे लगेंगे, देखने में एक जैसे लगेंगे, मेंस में गारंटी और इंडेमनिटी का अंतर आता है। मेंस में जो क्वेश्चन आता है दो ही क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ही बनते हैं, गारंटी इंडेमनिटी की डेफिनेशन और इनका डिफरेंस आता है। ऑब्जेक्ट में भी आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन दे रखी है, देखें एक बार। ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से
उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। तीन तीन बार पढ़ो जल्दी फटाफट इसको, डेफिनेशन को मानो याद ही कर लो, पक्का याद करनी है। पढ़ लिया? एक बार क्या हुआ, मैं जयपुर आया ही आया था। जयपुर आया तो मेरा मेरे से एक व्यक्ति का परिचय हुआ, क्योंकि एक मेरा दोस्त है, दोस्त की वो फ्रेंड थी, तो मेरा हुआ नहीं तो मैं पढ़ाता था। जब पढ़ाता था तो एक दिन उन्होंने कहा कि अपने तो खर्चे नहीं चल रहे। एक बार मैंने कहा पढ़ाते क्यों नहीं हो, पढ़ा लो आप, अब तो आपने इतना सारा पढ़ लिया। तो वो उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने किसी ने क्लास नहीं दी। मैं किन्हीं के यहां पढ़ा रहा था तो मैं उनको लेके गया। मैंने कहा सर इनको, बोले नहीं क्लास नहीं दे सकते, मना कर दिया, मुझसे मना कर दिया। मैंने कहा फ्री में पढ़ा रहे हैं। क्या कहा? फ्री में पढ़ा रहे हैं, और एक बार ये पढ़ा रहे हैं और एक बार फिर मैं और पढ़ाऊंगा। इनसे आपको जो भी नुकसान होगा मैं बियर करूंगा। ये अब एक तरह का ये किसका हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कि दूसरे के कारण जिस किसी को कोई क्षति हो जाए वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? आप देखते हो ना, जैसे गार्ड लेके आए आप, क्या लेके आए? गार्ड। और उस गार्ड किसी कंपनी से लाए, अब गार्ड सो गया और उसे चोरी हो गई, सामान ले गए। अब गार्ड में तो बेचारे पे कुछ है ही नहीं, आपके घर से ले गया 2 लाख का सामान। अरे भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो जग ही रहा था। अब वो गार्ड तो कर कोशिश करेगा, अब आप किसके पास जाओगे? उस कंपनी वाले के पास, 2 लाख का नुकसान हो गया, अब तो 2 लाख तू देगा। अब चूंकि आपने और उसने पहले तय कर रखा कि मेरी जिम्मेदारी है, उसने प्रॉमिस किया था, नाउ ही इज लायबल। क्या समझ में आई? नाउ ही इज लायबल टू बियर द लॉस कॉज्ड बाई दैट गार्ड। जो उसके द्वारा कोई हानि हुई है उस हानि को बियर करने के लिए। तो समझ में आया? इसे बोलते हैं इंडेमनिटी, दूसरे की क्षतिपूर्ति करने की। अब कारण तो बहुत सारा हो सकता है, जैसे मान लो एक ट्रक ड्राइवर है। कौन है? ट्रक ड्राइवर। और वो ट्रक ड्राइवर समझ रहे हो ना, ट्रक ड्राइवर केले लेके जा रहा है। कंपनी ने केले, ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, केले लेके जा रहा था। ट्रक ड्राइवर ने, अब केले तमिलनाडु से जा रहे हैं कहां? दिल्ली। अब जब दिल्ली जा रहे हैं तो उनका एक टाइम है, कितने दिनों में पहुंच जाना चाहिए। वही होटल पर खाना खाने लग गया ड्राइवर। ड्राइवर ने को बताया कि यार सपना चौधरी का डांस है कल। उन्होंने कहा भाड़ में आने दो, खड़ा रहने दो ट्रक, कल डांस देख के जाएंगे। अब वो रह गया सपना चौधरी के डांस में। उनका 2 दिन, अरे कुछ नहीं बिगड़ रहा, इधर केले सड़ गए। वो ड्राइवर के ऊपर केस करेगा या कंपनी के ऊपर करेगा? तो कंपनी लायबल है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। हाँ, कंपनी उससे वसूल कर सकती है, उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है? बात समझ में आई? तो कौन सी सेक्शन में दे रखी है इंडेमनिटी की डेफिनेशन? 124 में। किसकी डेफिनेशन है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट 31 में भी आते हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कल बताए थे ना,
वो इस बात पर डिपेंड है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपकी गाड़ी के पैसे हम देंगे। किस बात पर डिपेंड है? गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो कब देंगे वो पैसे? जब एक्सीडेंट होगा। यदि एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कुछ नहीं देंगे। एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। अब इंडेमनिटी की बात, इंश्योरेंस की संबंध में इनकी, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि इंश्योरेंस इसमें कवर होती है? थर्ड पार्टी कर रही है क्या इंश्योरेंस में? थर्ड पार्टी कर रही है क्या? थर्ड पार्टी नहीं कर रहे, इंश्योरेंस तो वहीं जाएंगे। वही मैंने अभी आपको बताया भाई, अदर पर्सन कैसे? प्रोमिसर हिमसेल्फ और भाई लॉस, लॉस कॉज बाई प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। जैसे मैं ठेकेदार हूं और एग्जाम्पल देता हूं, मैं ठेकेदार हूं, ठेकेदार के तौर पर सर को बोल दिया हिंदी वालों को बोल दिया, ठीक है अब तेरे को ही बोल दिया करेंगे। मैं ठेकेदार हूं तो मैं कहता हूं जी ये मेरे आदमी और ये मैं लाया हूं दो आदमी। अरे बोले यार अनट्रेंड कहां से ले आया? बोले नहीं सर अनट्रेंड है, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं जिम्मेदार हूं। तो अपनी खुद की जिम्मेदारी दे रहा है, मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए। बहुत सिंपल है, इस पे एक केस है नोट्स में दे रखा है, एक एग्जांपल से समझ लो थोड़ा सा। एक केस है पुराना, देखो क्या था कि एक ए आदमी था, इसकी जो गाय थी गाय बी चुरा ले गया, एक गाय को बी चुरा ले गया। बी ने क्या किया कि ये कहते हुए ये गाय मेरी है, उस सी के पास पहुंच गया और सी जैसे आड़तिया होते हैं ना ऐसे ही जो पैठ लगती है गायों की उसमें पैठ लगाने वाला था। उसने क्या किया कि गाय को डी को बेच दिया। इसको पता लगी, इसने इसके ऊपर केस किया, मेरी गाय बेची, चोरी की गाय इसने यहां बेची। इसने तो इसको पैसे दे दिए गाय के, लेकिन अपनी वसूली के लिए इस पे आया। उनने कहा भाई तैने ये प्रॉमिस की थी कि मेरे आचरण से या कोई अन्य आचरण है उसकी वजह से तुम्हें नुकसान होगा तो मैं जिम्मेदार हूं। तो फिर इसने इससे वसूल किया। ये एक केस है, जो केस का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नाम दे रखा है? क्या दे रखा है? एडम्स वर्सेस जर्विस, एडम्स वर्सेस जर्विस। कौन सा केस है? एडम्स वर्सेस, ठीक है पढ़ लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, और डेफिनेशन कितनी है? इतना ही है एक लाइन का, स्वयं वचन दाता के आचरण। इतनी सी है ही बस,
हमारे आचरण से हो या किसी अन्य के आचरण से हो, पता है एक बार क्या हुआ, ये आपने लॉफ्टॉट में ही पढ़ा होगा, लॉफ्टॉट में, हाँ उसी में पढ़ा होगा, हाँ वही है, वही है, लेकिन एक्ट में आ गई ना अब तो भाई, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ गई। अब देखो क्या है, ये केस आप जो ने सब लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार दो मजदूर थे, मजदूर गैस की पाइप सही कर रहे थे, और गैस की पाइप सही कर रहे थे, थोड़ी देर बाद उन्होंने वो ध्यान से भूल गए कि ये गैस है, माचिस जलाई बीड़ी जलाने के लिए, वो तो गैस फैल गई, सारे में सारे उड़ गए, वो खुद झुलस गए, गए गैस की सही पाइप सही करने, माचिस ही जला दी। तो जिसके मजदूर थे वो, जिसके मजदूर थे वो रेस्पॉन्सिबल होगा उनके लिए, मान लो वो खुद कर रहा होता तो खुद हो जाता, अब पहले यहां पे इंडेमनिटी के संबंध में कुछ और बातें पढ़ने से पहले गारंटी पढ़ लेना जरूरी है। एक सौ चौबीस तो समझ में आ गया ना, अब 126 जैसे ही से पढ़ोगे तो ये कंफ्यूज करेगी आपको, इसलिए पढ़ा रहा हूं, मतलब गारंटी और इंडेमनिटी दिमाग में अलग अलग होनी चाहिए, थ्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है ये, इसे वैसे जानते सब हो आप, मान लो मैं बैंक से लोन ले रहा हूं और आपको मैंने गारंटर बना लिया, तो एक तरह से आप को बोरर हो, आप सोचते नहीं नहीं मैं तो गारंटर हूं, मैं क्या नहीं दिए, तो आप भी उतने ही लायबल हो। जो बैंक से या कहीं से कोई लोन लेता है तो एक तरह से तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें, कितने, तीन, वहां दो ही थे ना, एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, यहां थ्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, यह 1 2 3 ऐसे, एक बार पढ़ लो, पढ़ने का मतलब तीन बार पढ़ो, 126 तीन बार पढ़ो, देखो, टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, मतलब थर्ड पर्सन डिफॉल्ट कर रहा है, जैसे एक एग्जांपल से समझ में आ जाए, या पक्का याद कर लो इसको, पहले दो लाइन, एक लाइन बार बार पढ़ो जब जब आएगी। पर व्यक्ति बोलते हैं थर्ड पार्टी, तीसरे व्यक्ति को, व्यतिक्रम बोलते हैं डिफॉल्ट, हो गई। देखो जैसे एक आदमी है ए, ठीक है, और एक बी है, इस बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लेता है, गारंटर बताओ। अब ए के पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक ने का गारंटर बताओ, उनका सर सी है मेरा दोस्त, ये गारंटी देगा, उसकी प्रोफाइल अच्छी है। तो देखो अभी कितने एग्रीमेंट हुए, पहला एग्रीमेंट तो एक तरह से इनके और इनके बीच में है, ए और बैंक के बीच में, किस बात का, कि ये लोन दे रहा है और ये चुकाएगा इसके पैसे 50 लाख। दूसरा बी और सी के बीच में है कि यदि ए ने नहीं चुकाया तो सी चुकाएगा। तीसरा ए और सी के बीच में है, क्या कह रहा है ए और सी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है कि
तुम्हें पैसे चुकाने हैं पहले इसके, नहीं चुकाए तो मुझे चुकाने पड़ेंगे, ऐसे दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? इसी को बोलते हैं गारंटी की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। अभी आपने 124 में इंडेमनिटी पढ़ी थी और 126 में गारंटी पढ़ रहे हो। दोनों में अंतर, एक तो अंतर ये समझ में आया आपके कि वहां तीन पार्टियां नहीं होती हैं, वहां दो ही पार्टी होती है। एक पार्टी सिर्फ कोई उसने जो कह रखा है उसके लॉस को बियर करने के लिए बात करता है, उसके साथ जो लॉस करता है उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट उसका नहीं होता है। जैसे गार्ड देखा था, गार्ड के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कंपनी ने कहा था ये गार्ड आपके यहां रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी को सेव करेगा, आपके यहां रहेगा और प्रॉपर्टी को सेव करेगा, ये किसने कहा था? कंपनी ने कहा था। यहां ऐसा कुछ है ना, यहां अलग है। ए गया बी के पास और कहा कि भाई मेरा दोस्त सी आपको गारंटी दे देगा, 50 लाख रुपए का मेरे को लोन दे दे। पहले कोशिश करेगी बैंक ए से अपनी वसूली करने की। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ए, इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ए, बैंक सी से कहेगी भैया तुम दो पैसे। तो यहां सी इज लायबल टू परफॉर्म और डिस्चार्ज द लायबिलिटी विच वॉज ऑफ ए। ए की जो लायबिलिटी थी उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए सी जिम्मेदार है, सी से वसूली कर लेगा। बाद में सी इससे वसूली कर पाए या नहीं कर पाए सी जाने। समझ में आ गया? इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या ये अंतर आपके समझ में आया? देखो आजकल क्वेश्चन थोड़े से एडवांस आ रहे हैं, प्रीलिम्स में भी एडवांस आ रहे हैं। वो क्या करेंगे कि एक लाइन दे देंगे, इनमें से चारों में सही अंतर है, देन यू आर टू आंसर द करेक्ट, यू आर टू चूज करेक्ट आंसर। ठीक है? तो ये 124 से 126 थे, दोनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और चीज है, तीन नाम और दे रखे हैं, श्योरिटी, डेटर या प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। ये तीनों शब्द पता है क्या आपको? इसमें श्योरिटी कौन है? सी। ये सी और डेटर कौन है? इसको ए को डेटर, देखो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, अरविंद सो मत, एक देखा जाए तो बैंक की नजर में ये बोरर है और ये को बोरर भी है, इसको भी डेटर मानते हैं, इसलिए क्या कहा इसको प्रिंसिपल डेटर है ना। और क्रेडिटर कौन है? बैंक, जो देता है नाम दे रहा है वो क्रेडिटर, इसने ही तो पैसे दिए बैंक ने, इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है इसमें, लेकिन आपको बस आइडिया ही होना चाहिए, ये नहीं पूछी जाती। अब देखो 125 में पढ़ ली, 125 में सिर्फ ये बता रहा है क्या क्या वसूल कर सकता है भाई, वो जो नुकसान उससे हुआ है ना वो सारे वसूल कर सकता है। एक लाइन में देखें तो जो नुकसान उसको हुआ है, आपने कहा था जैसे वो ले गया घर का सारा सामान चोरी हो गया, तो उस सारे को पैसे को वसूल कर सकता है। इसके अलावा कई बार जैसे कोर्ट में केस करना पड़ा, जो भी खर्चे वगैरह है वो सब कर सकता है। इतनी सी बात आपको 125 में याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट,
127 देखिए एक बार, देखो प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल 127 पढ़ लो एक बार। देखो यहां पे देख रहे हो ना भाई, इसने इनके बीच में कंसीडरेशन क्या है भाई, इसने दंड दिया 50 लाख रुपए, ये ब्याज से वापस ले रहा है, तो ब्याज इधर ब्याज इसके लिए कंसीडरेशन हो गया, इसके लिए ये पैसा हो गया, इनका यूज कर रहा है। लेकिन इनके बीच में है क्या, इसके लिए 127 बनाया हुआ है। 127 पढ़ो, ये सी क्यों बना, सी श्योरिटी क्यों बना, जो प्रिंसिपल डेटर है ना उसके फायदे के लिए, किसके लिए बना भाई, इससे फायदा किसको हो रहा है, प्रिंसिपल डेटर को 50 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको लोन पे, तो इसलिए, तो प्रिंसिपल डेटर को फायदा दिलाने के बदले बना है। तो जो बात कही गई है ना बैंक के और इसके बीच में, भाई इसको फायदा दिलाना है, तो ये जो वचन है ये अपने आप में इसके लिए कंसीडरेशन माना गया। 127 में लिखा है वचन, ऐसा नहीं किया कि बिना प्रतिफल का कर दिया हो, कंसीडरेशन में 127 पढ़ लो। देखो जो श्योरिटी है, ठीक है, जो श्योरिटी है, श्योरिटी की जो लायबिलिटी की स्थिति क्या है वो दे रखी है 129 में। वो कहता है कि को एक्सटेंसिव है, समविस्तीर्ण है। समविस्तीर्ण का मतलब क्या है, दोनों बराबर लायबल है। क्या कहा, दोनों बराबर लायबल हैं, इसीलिए शब्द प्रयोग किया प्रिंसिपल डेटर नॉट डेटर। ये भी डेटर है, सिर्फ श्योरिटी नहीं है, डेटर भी है ये, क्योंकि को एक्सटेंसिव लायबिलिटी मानी है, समविस्तीर्ण, उसी का दायित्व तो दोनों को बराबर है। सिंपल, आपने किसी को कोई गारंटी दे रखी है ना किसी के लिए, और उसने किस्तें नहीं जमा कराई, तो खुद भी लायबल हो गए और आपका भी क्रेडिट स्कोर वैसे ही गिरेगा। एक बार क्या हुआ, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने क्या गारंटी ले ली, किसी की गारंटी ले ली, तो उसने, अब वो जॉब कर रहा है, जॉब करते हुए उसके सैलरी वगैरह अच्छी थी, तो उसके गारंटी तत्काल लग गई, उसे 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती, तो गारंटी आ गई उसकी। अब उसने गारंटी ले ली, बस खरीद ली। अब जो बस वाला था, बिजनेस तो ऐसे ही चलता है, कभी सही कभी खराब, अब वो बेचारे से नहीं निकले दाम क्या। अब उसकी क्या है कि उसका सिविल डाउन, वो क्रेडिट कार्ड बनवा रहा था तो वो सिविल डाउन, अब वो भागा भाग गया बैंक, उन्होंने मेरा सिविल डाउन कैसे कर दिया, लड़ बैठा जाके तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, वकील हूं ये वो। तो बोले साहब आप भी इतने लायबल वाले, वो गारंटर कैसे लायबल हो जाएगा बराबर, उन्होंने पैसे लिए, लड़ा झगड़ा, बोले करते क्या वकील हो, आज जैसी तैयारी कर रहा हूं। बोले कि अपने गुरुजी को पूछना, कानून तो मुझे पता नहीं, पर हमारे यहां हमें ट्रेनिंग में बताते हैं दोनों बराबर हैं। तो मेरे से बोला गुरुजी ये क्या मामला है, मैंने कहा यार ये को एक्सटेंसिव होती है, 129 पढ़ ले। मेरे से गलती हो गई, हाँ 128, वो 129 में कंटिन्यूइंग गारंटी है, कंटिन्यूइंग गारंटी दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 128 129 दोनों इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा संदीप पहले तू तो ये पढ़, उनसे लड़ने झगड़ने से, नोटिस देने से, उनसे सबसे कुछ नहीं होगा। तो बोले मेरा क्रेडिट कार्ड कैसे बनेगा, तो मैंने कहा सिविल स्कोर उनसे कहता रहा कैसे ना कैसे ही, और गारंटी गारंटी छूटेगी नहीं जब तक बस की वो किस्तें पूरी ना हो जाए। पहले सोच समझ के करा था ना, बस की किस्तें हुई पूरी, फिर उसने 1 लाख रुपए की एफडी कराई, एफडी करा के
फिर उसे एफडी में किस्तें सही सही जमा कर जानबूझ के लोन लिया, फिर उसका ग्रो किया, फिर जाके उसका क्रेडिट कार्ड बना। तो 128 की बजाय है ये को एक्सटेंसिव, मतलब बराबर हैं दोनों। और एक है 129 में चलत प्रत्याभूति, कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यू गारंटी कभी ये समझा ना, जैसे कोई कहता है जब बैंक गारंटी दे रखी है, कहते ना बैंक गारंटी, जो लोग बिजनेस करते हैं वो समझते हैं बैंक गारंटी क्या होती है। देखो जैसे बैंक गारंटी का क्या मामला है, मान लो इसका एक शोरूम है बी का, सॉरी ए का एक शोरूम है, ठीक। इस शोरूम में ये काम करता है, तो ये सी के यहां से सामान लेकर आ रहा है डी के यहां से, हर महीने सामान लेकर आता है। तो बैंक ने ये गारंटी दे दी कि तुम 1,00,000 रुपए तक का वो सामान ले आओ। कितने तक? 1,00,000 से ऊपर नहीं, 1,00,000 रुपए तक का सामान आए तब 1,00,000 रुपए जमा करा दो, ले आओ, जमा करा दो, ले आओ। ये कौन सी सिक्योरिटी चल रही है? कंटिन्यूइंग। कैसी सिक्योरिटी है? लेकिन सिक्योरिटी तब खत्म हो जाती है बैंक के पास गया, सर मैं हर बार 1,00,000 का ले जाता हूँ, मेरी बढ़ा दो ना। बैंक ने सिक्योरिटी को पूछा ही नहीं, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं 2,00,000 तक का ले जाना। अब 2,00,000 फंस गए, अब नहीं दे रहा वो। बैंक कह रहे पैसे दे, सिक्योरिटी से मांग रही, बोले मैं क्यों दूंगा, मैंने तो 1,00,000 तक ही दी थी, तुमने बढ़ा दी, मेरे को पूछा क्या? तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। 129 पढ़ लो, 128, 129 ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। समझ में आ गए? कोई किसी भी प्रकार का कंसीलमेंट है ना, और जिसकी सूचना सिक्योरिटी को नहीं है वो इलीगल है। वो कैसी है? इलीगल है, मतलब हर चीज की बात इनके बीच में जो आपस में हो रही है ना, सिक्योरिटी को भी पता होना चाहिए। इस तरह का कंसीलमेंट करती है तो वो सब इलीगल है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 148। थोड़ा सा वैसे आप जानते हैं 146 है, 146 में मैंने वैसे बता दिए को एक्सटेंसिव में आ गया, 146 को एक्सटेंसिव में आ गया, ना लिखते तो भी नहीं, लेकिन आप समझ लो क्या कह रहा है, इनकी बराबर है, जितना ये है ये भी है, मतलब जितने भी श्योरिटी होते हैं वो सब बराबर लेवल होते हैं। ये 146 है। फिर 148 पढ़ लो, 148 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एक तो आपसे क्या है, ज्यादा जो टफ क्वेश्चन नहीं है वो डेफिनेशंस पे ही आते हैं, इसमें डेफिनेशंस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मुश्किल से एक लाइन की डेफिनेशन है, पढ़ लो अच्छे से। डेफिनेशन 148 की पढ़ो। अब देखो यहां पे नाम कॉन्ट्रैक्ट का बदल गया, अभी तक आप तीसरे नंबर के तीसरे पे पहुंच गए, दो इंडेमनिटी की पड़ी, एक गारंटी पड़ी, अब हम आ गए बेलमेंट में। यहां पे जो प्रोमिसर प्रोमिसी बदल गए, बेलर और बेली आ गए, लेकिन उनके जो उनमें जो पढ़े थे इंडेमनिटी में कौन थे, प्रोमिसर और प्रोमिसी, हाँ इंडेमनिटी फायर इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी फायर और इंडेमनिटी होल्डर। सोहेल तुमने तो एडमिशन बहुत पहले लिया था और तू पढ़ाया नहीं तू ढंग से।
नहीं, बात कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, कोई सा सब्जेक्ट जो आता है कुछ दिन बीच में गैप कर लेता, आता है फिर कुछ दिन गैप कर लेता, नहीं करता। अटेंडेंस होती है यहाँ पे, ये ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है अटेंडेंस नहीं होती। अभी नहीं हो रही आप लोगों की, नहीं अटेंडेंस अभी क्यों नहीं कराई अटेंडेंस? मैंने कहा चलो इस झंझट में मन डालो, क्योंकि अटेंडेंस को मैं खुद देखता हूँ और फिर मेरे को इरिटेशन होती है, तभी तो मैं पकड़ लेता हूँ अच्छा आप नहीं आए थे। फिर मैंने कहा यार रोज आना का झंझट पड़ेगा, रोज फटकार और रोज करो, तो मैंने कहा अभी छोड़ दें। इसलिए नहीं देखा, नहीं अन्नू आती है लेने, अटेंडेंस लेने पहले ही आती है। क्यों? क्योंकि हम क्या है कि हमारे अपने एक सॉफ्टवेयर में फीड कराते हैं, यार इसे फीड कर दो, क्योंकि अब तो बिल्कुल शॉर्टेस्ट क्लास चल रही है, तो उसमें फीड करने का मतलब नहीं रहेगा। उससे हमें ये पता लग जाता है ये पास हो रहा है ये नहीं हो रहा। एक टाइप का प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसलिए ले आती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं लेते कभी भी, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, आओ तो आओ मत आओ, लेकिन हमें लेना देना होता है हर एक की प्रोफाइल में, ये बनना है ये नहीं बनना है, ये स्कोर चल रहा है। उसमें दो चीजें खास तौर से, एक तो आपकी उपस्थिति और एक आपके टेस्ट पेपर्स, इनके आधार पर पता लग जाती है कितने दिन बाद पास होगा। अच्छा स्टूडेंट को बताते नहीं है, बस उससे कह देते हैं और पढ़ो और पढ़ो, तुम बन सकती हो या नहीं बन सकते, उनसे ये कहते, ज्यादा उनके चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि वो पता लगा फ्रस्ट्रेट ही हो गया। ये आ तो बहुत दिन से रहा है, लेकिन ये ब्रेक करता है ना, अच्छे से पढ़ता तो इसकी पोजिशन और शानदार हो जाए। अब मुझे पता नहीं कितनी है, उस दिन तो अच्छे लाया था नंबर 10 थे, हाँ वेरी नाइस, इसके लिए ताली बजा दो दोबारा से, अभी 10 में 10 थे। कितनी सी बात है, देखो एक एग्जांपल से समझो। मान लो आपके यहां पर कोई प्रोग्राम है, कोई शादी का प्रोग्राम है, ठीक है, शादी का प्रोग्राम है, तो आप टेंट वाले के पास गए कि सर वो पूरा टेंट लगाना है, तो ठीक है, तो टेंट, उसने टेंट का सारा सामान आपको दे दिया, आप अपने ट्रैक्टर में भर के ले आए और ये बी से लेकर आए। सेठ ने कहा यार तुम्हारे गांव में जिस दिन आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे डी की लड़की की शादी है, ये सारा टेंट वाला सामान उन्होंने दे देना। बोले ठीक। मान लो डी की लड़की की शादी नहीं होती तो क्या करते हैं? माल अपने पास ही रख लेते, भाई आपकी शादी पूरी हो गई, पर्पज पूरा, रिटर्न टू हिम जिसने दिया, टेंट वाले को वापस दे देते। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, देखो क्या है, फॉर ए पर्पज, फॉर ए पर्पज गुड, गुड्स इज ट्रांसफर्ड किसी पर्पज के लिए। जैसे एक एग्जांपल से और सुनो, मैंने आपसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले सर मालवीय नगर। मैंने कहा कार आती है चलाना? बोले हाँ बिल्कुल अच्छी आती है, ऑटोमेटिक आती है? हाँ ऑटोमेटिक भी आती है। तो यार मेरा एक काम करो, मेरे को वहां तक छोड़ने जानी पड़ेगी, ये मेरी कार ले जाओ और सर्विस सेंटर पर दे देना। क्या कहा मैंने? कार ले जाओ और सर्विस सेंटर पर दे देना। अब कार आप लेके चले गए, बोले सर मेरा कोई काम है, फिर मैं शिवदासपुरा तक कार से हुआ हूं क्या? क्या हुआ हूं? तो तुम्हारा पर्पज पूरा हो गया, और फिर कार, ऐसा थोड़ी होता कार मैंने दे दी तो आप अगर लोग चलो ठीक है दे दी तो मेरी ही है। समझ में आ गई ये बात? इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एक लाइन का ही है, देखो किसी प्रयोजन के लिए संविदा पर माल का परिदान, डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पर्पस, मतलब क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पर्पस। शब्द आगे पीछे कर लो, उससे कोई असर नहीं पड़ना। दूसरी, जैसे प्रयोजन पूरा हो, आफ्टर अकम्प्लाइज, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पर्पस, गुड्स टू बी रिटर्न टू हिम और अकॉर्डिंग टू हिम, इतनी सी बात है बस। अब इस तरह के जो लोग हैं, इसमें बेलर कौन है? टेंट वाला या शादी वाला?
देखो ठीक है, ये जो टेंट वाला है ये है बेलर, इसी को बोलते हैं उपनिधाता, क्या बोलोगे? और ये कौन है? उपनिधा, उपनिहिति, ठीक है। और ये इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है उपनिधान या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सबके समझ में आ गए? ये डेफिनेशन ही कई बार आई है, एग्जाम्पल पूछे गए हैं। पढ़ लिया 150। देखो जब भी कोई सामान लेकर आए, मान लो शादी में आप कॉफी की भी मशीन लेके आ रहे हैं, कॉफी की मशीन में प्रेशर होता है, तो यदि उसमें कोई त्रुटि थी, क्या थी, कोई खराबी थी, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज इट कि भैया ये गलती है, इसमें जो सही करानी है पहले आपको। मान लो उसने आके लगा दी, पता लगा विस्फोट हो गया उसमें और वो घायल हो गया, बेलर सेल्फ भी रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि त्रुटि अब छुपा ली है ना, तो रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये कौन सा सेक्शन है? 150। देखो थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसमें से डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक जो ज्यादा आ रहे हैं, फिर भी आइडिया अंदर भी कुछ चीजों का होना चाहिए। समझ में आ गया? देखो मान लो एक आदमी है, उसने कहा भाई साहब हमारे यहां शादी है, अपनी घोड़ी दे दो। घोड़ी दे दी, शादी के लिए ली थी, शादी का काम खत्म हो गया, दूसरे दिन वापस देने जानी थी। उसके लड़के सारे के सारे घोड़ी चला चला के देख रहे हैं, सब सीख रहे घोड़ी चलाना। ठीक है ना यार, ये घोड़ी घोड़ों के एग्जाम्पल मैंने थोड़ी बनाए, अंग्रेजों ने। तो उपनिधि क्या कर सकते, जैसे मान लो इस तरह करता है ना, तो उपनिधाता उसको कैंसिल कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। जैसे मान लो टेंट का सामान लेके गई लगाने के लिए टेंट का, उसके यहाँ मेला संगीत हो रहा है, तो टेंट बिछा रखा जमीन में, तो वो टेंट वाला है बोले या भाई साहब टेंट जमीन में बिछाने के लिए थोड़ी दिया था, तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं तुम दूसरा ले आओ, छोड़ो मैं तो अपना भरवा के ले जा रहा हूं। ये टर्मिनेशन है। क्या? अरे आप समझे नहीं, यहाँ पे ध्यान रखो, पहले बहुत आगे आगे हम वहां से, तो कंसिडरेशन से, तो कंसिडरेशन एक वचन वहां देना जरूरी थोड़ी ही है, एग्रीमेंट नहीं बनाया था, वचन वचनों का समूह तो है, सिर्फ वचन देते रहो एग्रीमेंट हो गया, और उस सब एनफोर्सेबल है, कॉन्ट्रैक्ट है ये सब, पीछे ही पढ़ा था ना, वहां देने दाम देने की जरूरत थोड़ी है भाई। टेंट वाले से कोई दे, जब टेंट का सामान लाते हैं तो कुछ दे के थोड़ी आते, बाद में देते हैं ना, तो बाद में देते हैं तो ये प्रॉमिस करते हैं कि बाद में दे देंगे तुम्हें पैसे, सब उधार पे चलता है। ये जो एडवांस का चक्कर है ना अब चलने लगा है, वहां गांव का जो कल्चर था वो भी डिस्टर्ब होने लग गया। पहले क्या था गांव में, जैसे शादी विवाह होते थे तो फिक्स हलवाई थे, वो हलवाई बुला लेते, एक फिक्स हलवाई है भाई ये, तो हलवाई अपने आप सामान लिख लिखा देता था, लगभग उसका रेट फिक्स था, सस्ते में ही सब होना है। जिसके यहाँ से टेंट वाले के यहाँ सामान आना है वो लिस्ट ले जाके ले भर के ले आते थे,
अब पता सबको, पैसे छह छह महीने में साल साल भर में जाते धीमे 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 धीमे, थोड़े कभी दे दिए थोड़े कभी दे दिए। कितना बढ़िया कंसेप्ट था, शादी सस्ते में निमट जाती थी। आजकल का थोड़ा ही है, बुक करा दो जी वो गार्डन, गार्डन वाला पहले ही पैसे मांगेगा। वहां कुछ भी बुक कराने की जरूरत नहीं थी, एक खेत छोड़ देते थे, खेत में पानी छोड़ा और उसकी लेवलिंग की, बस खेत में काम हो जाता था। मतलब कितने मिनिमम पे जीता था किसान। आजकल वो किसान क्यों परेशान होने लग गए, वो मिनिमम पे नहीं जी रहे, वो दिखावे के लिए मैक्सिमम पे आ गए। और बल्कि गांव के लोग रोकते थे, ये क्या कर रहा है, कोई चीज हाई फाई ला रहे, पागल हो गया है क्या। दूसरे लोग लाने नहीं देते थे, कहते थे कि नहीं जी थोड़ा सा वो नहीं यहीं करेंगे, गांव में करेंगे। दूसरी ये लोग आजकल वो वेटर वगैरह का कंसेप्ट अब आया है, सारे रिश्तेदार और गांव वाले सब मिल जाते थे, वो अकेले ही 100 वेटर होते थे, लाइन लग जाती थी और कोई चीज कमी नहीं पड़ती, वेटर को तो बुलाना पड़ता, भाई साहब एक पूरी लाना, और वो लाए तो लाए पर वो जिम्मेदारी से खिलाते थे। वो जिम्मेदारी, वो रिलेशनशिप सब टूटने लग गई, सब छिन्न भिन्न हो गया। अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा कल्चर आ रहा है, ये कल्चर बुरा है। सामूहिक रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। अर्बनाइजेशन से, अर्बनाइजेशन कोई अच्छी बात नहीं है, बुराई है। जो जो थोड़े पढ़ लिख जाते सब गांव आ रहे हैं, गांव में मकान बना रहे हैं, पता पड़ोसी से भी नहीं होता, मतलब फ्लैट वाला सामने वाले फ्लैट को नहीं जानता नहीं। गांव में, गांव कितना ही बड़ा हो, पूरे गांव के सबको जानते हैं आपस में, बल्कि ये तक भी जानते हैं ये इसका लड़का है, ये इसकी लड़की है, ये है, ये तक भी जानते हैं कि किसी के घर में फावड़ा है, किसी के में गैती है, तो एक दूसरे मांग के लाते हैं। हमने ये सब किया है, मांगे भी हैं। जैसे दो तीन चीजें हमारे घर में वो ले रखी थी, एक बड़ी सी वो टंकी जिसमें वो पानी भरते थे, वो सारे गांव में घूमती रहती थी और कोई किराया नहीं, कोई कुछ नहीं, तो एकदम टूटने लग गया, डिस्टर्ब होने लग गया सिस्टम। चलो नेक्स्ट। ये छोटे छोटे ब्रेक हैं, इन ब्रेक्स में हम कुछ बता भी देते हैं बजाय वैसे ब्रेक लेने के। जस्ट मृत्यु पर टर्मिनेशन हो जाता है। और 1163, जैसे किसी ने किसी को गाय दी और गाय ने बछड़ा और डाल दिया, तो ऐसा नहीं होगा बछड़ा अपने यहीं रख ले, भाई साहब मेरे यहां मैंने खिलाया था बछड़ा डाल दिया, अरे बछड़ा भी वापस देना है भाई। ये 163 है। देखो ये बनाए क्यों अलग अलग, क्योंकि हर एक की क्वालिटी अलग है, एक दूसरे में कनेक्ट नहीं होता। मान लो कॉन्ट्रैक्ट ही बनाते, इसको नहीं बनाते तो गड़बड़ हो जाती। जैसे मान लो कोई आदमी कहता कि यार मेरे यहां तो दूध नहीं हो रहा, बोले चल ठीक है मेरी गाय को ले जा और जब तेरे पास आ जाए तो तू ले आना। अब दे तो दी, बाद में गाय ब्याह गई तो बोले बछड़ा तो अपन ही रख लेते हैं, गाय लाए थे जैसी लाए थे वैसी दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये प्रोविजन लिखने पड़े। सिंपल है वैसे। अब देखो जैसे मान लो आपने कपड़े दिए दर्जी को, कपड़े दिए दर्जी को, तो एक पर्पज है कपड़े सिलने का, तो दर्जी क्या करेगा, सिल दिए और कपड़े वापस देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पैसे नहीं दिए तो ले आओगे, तब तक उसे अपने उसे एक तरह का लेन, क्या चीज, लेन धारणा अधिकार, तो तब तक उसको अपने पास रख सकता है कि भाई साहब कोर्ट तब दूंगा जब पैसे दे दोगे, सिल तो दिया मैंने, कोर्ट को कब दूंगा जब पैसे दे दोगे। मान लो कोई एक वर्कर को किसी ने हीरा दिया, उनका अच्छा पॉलिश वॉलिश करके जौहरी ने कर देना इसको सेट, तो
पैसे दिए नहीं, तो पैसे दे देंगे तब जाके वो हीरा वापस मिलेगा। तो 170 में है ये ऐसा। नहीं 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 जैसे आपने पहले तय कर रखी हो, कंडीशंस तय कर रखी हो अकॉर्डिंग टू दिस दोस कंडीशंस, ऐसे नहीं कुछ भी करो। फिर 172, ये कौन सा नंबर का कॉन्ट्रैक्ट आ गया? फोर्थ। इसमें कौन कौन है? काय का कॉन्ट्रैक्ट है ये? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस, पॉनर और पॉनी। इसमें प्रोमिजर और प्रोमिजी बदल गए, कौन हो गए? पॉनर और पॉनी। 10 साल ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, थोड़ा सा दरअसल ये बेलमेंट का एक रूप है और मॉर्गेज से मिलता जुलता है। मॉर्गेज में तो थी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तीन बातें थी, दो, एक तो कोई वचन पालन या ऋण या दायित्व, तीन है ना, या प्रॉमिस, डेट और कोई लायबिलिटी, तीन ही थी, वही तीनों यहां है। अंतर क्या है? अंतर यहां पे है गुड्स, आप बताओ आपकी स्कूटी गुड्स है क्या और कार? कार भी गुड्स है, माल है। ये कहोगे मेरा माल वहां नीचे खड़ा है, है? देखो जो गुड्स की डेफिनेशन है सेक्शन 4 में, गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है ना सेक्शन 4 में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो वहां देता है सभी प्रकार की चल संपत्तियां, ऑल टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। तो जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी गुड्स हैं, ठीक है ना। तो कार भी माँ, मैं एक बार पढ़ा रहा था तो सर हम तो माल किसी और को बोलते थे कॉलेज में, मैंने कहा वो वाला नहीं है, वो इसमें नहीं आता। अच्छा वो सीए के बच्चे होते थे तो वो ऐसे उठपटांग क्वेश्चन करते थे, ये उसमें था, सेल ऑफ गुड्स भी था और कॉन्ट्रैक्ट भी था। तो चूंकि कुछ दिनों मैंने कुछ मतलब एक डेढ़ साल दो साल ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में जॉब भी की, तो उसमें था, तो सीए के जो लॉ के जो मॉड्यूल्स है ना, अब पता नहीं किसने बनाए बाद में, पहले तो हमने बनाए थे, हमने ड्राफ्ट किया इंडिया भर के लिए, अब मुझे पता नहीं कौन है। फिर बोले कि आपको नोएडा जाना, मैंने कहा मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे जयपुर ही रहना, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। तो इंपॉर्टेंट एक शब्द है यहां पर, मैं जिसे लिखा माल का उपनिधान है, बेलमेंट ऑफ गुड्स मतलब गिरवी क्या है, ये बेलमेंट का ही एक रूप है। आप पढ़ो एक बार, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, बेलमेंट का एक अन्य स्वरूप है तो प्लेस, मॉर्गेज, ऐसे करके पूछ सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है? प्लेस, प्लेस या गिरवी,
लिखा है ना, प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान लिखा है ना, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड फ्लैश। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने लिखी है वो यही है, आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है कि माल का उपनिधान एक सौ तिहत्तर। देखो आप लोगों ने वहां पढ़ा था ना मॉर्गेज में, जैसे ही मॉर्गेज मनी जमा करा दो तो वो चीज वापस ले रहे हैं, वंस मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज नॉट मोर देन इट, लॉर्ड डेवी का कथन था। किसका कथन था? लॉर्ड डेवी। कौन से केस में? कोई केस था वैसे लॉर्ड डेवी कप लगा रहे थे तो नाम बता कौन सा? देखो मुझे पता नहीं आपको कैसा लगता है, लेकिन मैं सही बताऊं कि कौन ये जो कानून है ना, रियली पढ़ने में बहुत मजेदार है। और सब्जेक्ट मेरे, मैंने करीब करीब जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, मैंने साइंस पढ़ी है, साइंस मैंने कितनी साइंस पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स खूब पढ़े हैं ट्वेल्थ तक, आईआईटी का एग्जाम दिया तो उसमें भी पढ़े, उससे पहले जूलॉजी बॉटनी खूब पढ़ी, बाद में ही पढ़ी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट पढ़े हैं। उनके बावजूद भी, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद भी मुझे लॉ रियली बहुत पसंद है। कई स्टूडेंट कहते हैं शुरू में अरे सर इसमें धारा पढ़नी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखें पॉनिज राइट टू रिटेनर, पणमदार का प्रतिधान का अधिकार, ये पढ़ लिया क्या आपने 173? एक तो इसमें डेफिनेशन में आती है, नंबर ही पूछने आता है, नंबर सारे याद रखना, 172 में क्या है, 148 में क्या है, 26 में क्या है, 124 में क्या है, नंबर डेफिनेशंस के नंबर बहुत आते हैं, 129, 128 में क्या है। देखो एजेंट का मतलब है किसी अन्य की ओर से कार्य करने के लिए, पर व्यक्ति की ओर से व्यवहार करने के लिए जिसे नियोजित किया जाता है वो एजेंट कहलाता है। जैसे एडवोकेट भी एक एजेंट होता है, एडवोकेट भी एजेंट ही होता है। जैसे मान लो मेरा कोई एडवोकेट है ऑन बिहाफ ऑफ मी, He is saying something. वो एक एजेंट है। प्रश्न आता है कि एक क्वेश्चन पूछते हैं एजेंट कौन नियोजित कर सकता है, 182 में तो डेफिनेशन है, कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों की ओर संव्यवहार करने के लिए any act for another or to represent another in dealing with third person, इतना सही है। एक इसमें जो इंपॉर्टेंट है कौन नियोजित कर सकता है 183, who may employ agent, देखो दो शब्द प्रयोग किए, प्राप्त व
और स्वस्थ चित्त, मतलब एक तो अडल्ट होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, वही अडल्ट और साउंड माइंड, ये सीधे 185 पे क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ 183 पे, 182 183। और 185 भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? तो आपको ध्यान आ गया कितने हो गए, 122 टीपी, 185 कॉन्ट्रैक्ट, और 25 में 3, 5 जगह हैं जहां बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट होता है। 196। अब देखो यहां क्या 196, थोड़ा यह समझने की बात है। आपने सेक्शन 35 पढ़ा था ना, जितने जोड़ता हूं ना उनके साथ ही लिख लिया करो बेयर एक्ट पे। 35 पढ़ा था ना इलेक्शन थ्योरी, तो उसे किसी को दाम दे दिए थे, या तो मना कर दे या हाँ कर दे। यहां पर क्या है रेटिफिकेशन में, मान लो ऑन बिहाफ ऑफ मी किसी ने कोई एडमिशन कर दिया, तो मैंने मना भी नहीं किया, पैसे भी रख लिए, रेटिफाई हो गया। क्या हो गया? रेटिफाई हो गया, अनुसमर्थन कर दिया मैंने। तो दूसरों के कार्यों का या तो मना करो खुल के, और मना नहीं किया है ना, तो ये माना जाएगा कि यू रेटिफाइड हिज एक्ट्स। पढ़ो 196 अच्छे से। पढ़ लिया? अब देखो रेटिफिकेशन जो होता है वो इंप्लाइड एक्सप्रेस हो सकता है, मतलब आपके आचरण से, आपने मना नहीं कर रहे हो, आपने कोई एग्रीमेंट किया किसी के साथ में और उससे कर लिया जो ऑथराइज नहीं था, लेकिन आपका एजेंट ने कर लिया, लेकिन आप कंटिन्यू उसके साथ संव्यवहार कर रहे हो, आपने कभी मना नहीं किया, तो आपने अपने कंडक्ट से इंप्लाइड, अपने कंडक्ट से क्या किया, इंप्लाइड रेटिफाई कर दिया उसको, कंडक्ट से इंप्लाइड कर दिया रेटिफाई। समझ में आ गया कि नहीं? देखो जो अनऑथराइज्ड व्यक्ति है वो थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचाने का राइट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपका कुछ कारण है, जबी तो आपका एजेंट कर रहा है, और जिसकी वजह से दूसरे को नुकसान हो गया तो यू शैल बी लायबल। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे सेक्शन है ये, दो सौ एक चाहो तो देख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन लाइब्रेटीज को आप लॉ टॉट में पढ़ते थे ना, ये सब वही चीजें हैं, लेकिन चूंकि अब एक्ट का हिस्सा हो गई हैं, वैसे लॉ टॉट में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल एजेंट पढ़े हैं ना वहां पे भी, वहां वाइकेरियस लाइबिलिटी और ये पढ़े हैं ना, वही है ये। मालिक के कारोबार के संचालन में अवकर्ता का कर्तव्य, तो ये काम है उसका कि मालिक के काम को ऐसे करे मानो खुद का ही कर रहा है, ये उसकी ड्यूटी है। और 211 पढ़ लो, एक रीडिंग लगा फास्ट। अब इसको 211 को एक लाइन में कहें कि मालिक के अनुसार, जो मालिक ने डायरेक्शन दिए उनके अनुसार करना है, जिनमें डायरेक्शन नहीं दिए हैं तो सामान्य तौर पर वो कोई काम कैसे किया जाता है, उसकी रूढ़ी परंपराएं क्या है, उनके अनुसार करना है। मान लो फिर जानबूझ के कोई गड़बड़ी करता है तो ही शैल बी, देखो एजेंट का ये काम है कि वो अपने पूरे कौशल से काम करे, मना कर दे जो नहीं आता, तो किसी वकील के पास चले गए, काम आ नहीं रहा उसका, और है टैक्स का एडवोकेट और आपकी मर्डर की फाइल ले ली, बोले नहीं मैं कर दूंगा, तो उसके कौशल की अपेक्षा की जाती है कि वो स्किल्ड होना चाहिए।
स्किल्ड नहीं है ना, जानबूझकर स्किल्ड नहीं है और उसमें लाइबिलिटी हो, चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, हाथ आजमा लेते हैं, तो लाइबिलिटी हो जाएगी उसकी नुकसान के लिए।